सनातन। जय मां मतंगी। सज्जनों, आज आप जानेंगे धनिया के कुछ अद्भुत प्रयोग। जी हां, आपको सुनकर कुछ अजीब सा लग रहा होगा, क्योंकि धनिया आमतौर पर रसोई घर में होती है, किचन में होती है, और वो भोजन के स्वाद को बढ़ाती है। वहीं आयुर्वेद में भी धनिया के कुछ अद्भुत प्रयोग बताए गए हैं, और धनिया पेट के लिए तो अमृत ही बताई गई है। गैस, एसिडिटी जैसे रोगों में धनिया रामबाण का काम करती है। लेकिन अगर आप ये नहीं जानते कि धनिया आपकी भाग्य को बदल सकती है, आपकी तकदीर को बदल सकती है, आपकी घर की नकारात्मक ऊर्जा को मिटा सकती है, आपके परिवार में चले आ रहे झगड़े झंझट को निपटा सकती है, और धनिया आपकी तिजोरी को भर सकती है, तो आज ये कार्यक्रम आप अंत तक जरूर देखिएगा। आज हम धनिया के कुछ अद्भुत प्रयोगों के बारे में आपको बताने जा रहे हैं, जो आपके जीवन को बिल्कुल परिवर्तित कर देगा। जी हाँ, धनिया खाने में स्वाद बढ़ाने के साथ साथ व्यक्ति के जीवन में भी अमूलचूल परिवर्तन कर देती है। धनिया माँ लक्ष्मी को अत्य प्रिय है, और ऐसा माना जाता है कि अगर लक्ष्मी की पूजा में उन्हें धनिया अर्पित करें तो माँ लक्ष्मी बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाती हैं। आज ऐसे ही कम से कम 5 से 6 प्रयोग हम आपको बताएंगे जो धनिया से जुड़े हुए हैं, और इन प्रयोगों को कर आप अपने जीवन में एक सकारात्मक बदलाव महसूस करेंगे। तो सबसे पहले हम बता दें, एक छोटी है कि आमतौर पर यह देखा जाता है कि आदमी तरह तरह की समस्याओं में फंसा होता है, और उन समस्याओं से मुक्ति पाने के लिए कभी वो मंदिरों के चक्कर लगाता है, कभी पूजा पाठ में करता है, और कभी तांत्रिकों, पंडितों, ओझाओं और ज्योतिषाचार्यों की शरण में चला जाता है। तमाम प्रयास करने के बाद भी उसे अपनी तमाम समस्याओं से मुक्ति नहीं मिल पाती है। लेकिन अगर समस्याएं हैं और समस्याओं से मुक्ति नहीं मिल पा रही है कि तो धनिया का एक इतना छोटा सा और अद्भुत प्रयोग हम आपको बता रहे हैं, जिसके करने से आपको तत्काल अपनी सभी समस्याओं से मुक्ति मिल जाएगी। ध्यान से सुनिएगा, कागज पेन ले लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा, बड़ा महत्वपूर्ण है। आप अपनी सभी समस्याओं से मुक्ति पा सकते हैं। करना क्या है? करना यह है कि मंगलवार को आप एक छोटा सा लाल कपड़ा ले लें और उसमें एक मुट्ठी धनिया रख दें। लाल कपड़े में एक मुट्ठी धनिया रखकर उसकी एक पोटली बना लें, और चुपचाप आप हनुमान जी के मंदिर चले जाएं। हनुमान जी के मंदिर में जाकर के हनुमान जी के चरणों में वह धनिया वाली पोटली रख दें, और वहीं बैठकर अपनी सारी समस्याएं हनुमान जी से कहें, और फिर वहीं पर बैठकर आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है। हनुमान चालीसा का पाठ करके आप चुपचाप बगैर पीछे घूमकर देखें आप अपने घर आ जाइए। आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपकी सारी समस्याओं का समाधान होना प्रारंभ हो गया है। ये मंगलवार को करना है। लाल कपड़े में धनिया रखकर हनुमान जी के चरणों में रखकर वहाँ हनुमान चालीसा का पाठ करना है। बस छोटा सा प्रयोग है, कोई खर्च नहीं, इसे करिए और चमत्कार देखिए। कर्ज से मुक्ति का भी एक अद्भुत प्रयोग धनिया करती है। कर्ज से मुक्ति पाने के लिए धनिया का एक अचूक उपाय बताया गया है। इसमें करना कुछ नहीं है, एक मुट्ठी धनिया आपको कर्जों से मुक्ति दिला देगी। करना है कि किसी भी दिन आप एक मुट्ठी धनिया ले लीजिए, और रात्रि में सोते समय उसे आप अपने सर के नीचे रख के लेट जाइए। सिरहने यानी किसी कपड़े में बांध करके रख लीजिए, आप तकिए के नीचे रख लीजिए और सो जाइए। सुबह उठकर उस धनिया को ले जाइए और किसी बहते हुए पानी में उसे प्रवाहित कर दें, और हाथ जोड़कर ये कहें कि मेरे कर्ज से मुक्ति करें, मेरे ऊपर जो कर्जा है उससे मुझे मुक्ति दिलाएं, मुझे कर्ज मुक्त करें, और चुपचाप वहाँ से आप चले आइए। आप देखेंगे कि धीरे धीरे स्वतः आपका कर्जा निपटना शुरू हो जाएगा। ये कर्ज मुक्ति का एक अद्भुत प्रयोग धनिया से बताया गया है। ऐसे ही अगर किसी व्यक्ति के ऊपर आपका कर्जा है, पैसा बकाया है, और तमाम प्रयास के बाद भी वो आपका पैसा वापस नहीं कर रहा है, रोज़ टाल मटोल कर रहा है, और आपका बकाया पैसा आपको नहीं मिल पा रहा है, तो उसके लिए आपको छोटा सा प्रयोग करना है। यही प्रयोग मैंने जीरे के लिए बताया था, और यही प्रयोग मैं धनिया के लिए आज आपको बता रहा हूँ। शुक्रवार के दिन एक कोरा सफ़ेद कागज़ ले लीजिए,
उस कागज के ऊपर जिस व्यक्ति के ऊपर आपका पैसा बकाया है उसका पूरा नाम लिखिए, उसके बाद उसके ऊपर कितना पैसा बकाया है उसका अमाउंट लिखिए, और अमाउंट लिखने के बाद एक मुट्ठी सूखा धनिया ले करके उसी में रख दीजिए और उसकी एक पुड़िया बना लीजिए। चुपचाप उस पुड़िये को ले जा करके आप बहते हुए पानी में डाल दीजिए और प्रार्थना करिए कि अमूक व्यक्ति यानी जिसके ऊपर आपका कर्जा है वो व्यक्ति तत्काल मेरा पैसा वापस कर जाए। इतना करके आप चले आइए, आप देखेंगे कि स्वतः वो आपको सूचना दे करके आपका पैसा देने आएगा। ये अद्भुत प्रयोग है और अब तक जितने लोगों ने किया है लगभग हर व्यक्ति को सफलता इसमें मिली है। धन आने का भी एक अद्भुत प्रयोग मैं आपको बताने जा रहा हूँ। मात्र 5 रुपया खर्च करेंगे और आपके धन के तमाम स्रोत खुल जाएंगे, नए नए ढंग से आपके पास धन आना शुरू हो जाएगा। करना क्या है, केवल बुधवार के दिन हरी धनिया लेकर के आप गाय को खिला दें। एक नियम बना लीजिए, बुधवार को 5 रुपए की 10 रुपए की धनिया ले लीजिए और किसी गाय को खिला करके उसे प्रणाम कर लीजिए। कुल इतना करिए, देखिए आपकी आय में बढ़ोतरी होती है कि नहीं। आपके पास धन के तमाम नए नए रास्ते खुलेंगे और धन आना प्रारंभ हो जाएगा। यह अचूक प्रयोग है, आपको बुधवार को गाय को हरा धनिया खिलाना है। और एक अंतिम प्रयोग आपको बताने जा रहा हूँ। अगर घर में परिवार में तनाव है, टकराव है, एक दूसरे से नहीं पटती है, बेवजह झगड़े हो जाते हैं, झंझट हो जाते हैं, तनाव टकराव होता रहता है, तो उसको मिटाने का एक बहुत आसान सा तरीका आपको बताने जा रहा हूँ। आप केवल आपको ये करना है कि घर के पूर्व दिशा में, घर के आपका जो मकान है उसकी पूर्व दिशा में थोड़ा सा धनिया रख दें और वहीं बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करें। कुछ दिन यह प्रयोग आप करिए, आप देखेंगे कि आपके घर का तनाव, झगड़े, झंझट, मनमुटाव सब कुछ समाप्त हो जाएगा। और साथ ही अगर आप धनिया अपने घर में एक कटोरी में पूजा स्थान पर या ब्रह्म स्थान पर रख देते हैं तो घर की नकारात्मक ऊर्जा भी चली जाएगी। धनिया के ये अद्भुत प्रयोग हैं, आप इन्हें करिए, चमत्कार आपके सामने होगा। और ऐसे ही कुछ अजूबे नुस्खे लेकर हम फिर मिलेंगे। तब तक जय मां मातंगी।